मासी साहब इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि मैं अपनी दवाइयों की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बाहर गया था, तो वहाँ पर मुझ पर किसी कुछ गुंडों ने हमला कर दिया जिसमें कनक को भी चोट आई। तो मासी साहब इस बात को लेकर नाराज़ थी कि वो दवाइयाँ जो हैं जो मैं बनाता हूँ वो एक विद्या है जो मुझे मिली है भगवान से, भोलेनाथ से, तो उस विद्या को मैं विद्या की तरह इस्तेमाल करूँ, उसे पैसों का मकसद ना बनाऊँ, तो इसलिए वो नाराज़ थी, खफा थी, मुझे डांट पड़ी। हाँ जी हाँ, वो हमारी शादी अटेंड करने आई जी, जला रही हैं। हाँ, उनका कुछ है ऐसा प्लान कनक को चढ़ाने का, जलाने का, तो ऐसा ही कोई सीन शूट कर रहे थे हम लोग। कनक, पहली बात तो आपकी शादी में कनक का दोस्त आई है, मॉडर्न वाली दोस्त, और फिर हमला हो जाता है। तो कनक की जो शादी है वो दूसरी बार होने जा रही है उमा जी से, एकदम धूम धमाके के साथ, लेकिन एक धमाका मासी सा ने इसमें डाल दिया है। उन्होंने मेरी बेस्ट फ्रेंड नेहा को यहाँ बुलाया है। कनक को सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, बट मासी सा ने नेहा को यहाँ क्यों बुलाया, ये कनक सोच। और यहाँ पे उमा जी का पे हमला भी हो जाता है? जी हाँ, हम नेहा के कहने पर उमा जी की कुछ दवाइयाँ पेटेंट करवाने जाते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडे मिल जाते हैं और हमारी फाइल ही फेंक देते हैं। तो ये चीज़ कौन करवा सकता है और क्यों करवा सकता है, ये जानने के लिए देखिए मेरा शो तो सूरज में सांझ पियाजी। थैंक यू।